हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू वाइज वे लर्निंग चैनल। आज हम लेकर आए हैं अपना प्रीवियस चैप्टर डाइजेशन। डाइजेशन का ये लास्ट लेक्चर होगा। इसमें हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन किस प्रोसेस से होता है। उससे पहले हम आपसे एक बात पूछना चाहेंगे कि आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। पढ़ाई अगर अभी तक आप लोगों ने अच्छी नहीं चलाने की कोशिश की है तो मेहनत करिए कि आप पढ़ाई में टाइम दीजिए। 2, 4, 5 घंटे जितने भी घंटे आप बढ़ा सकते हैं आप अपने स्टडी के लिए बढ़ाइए। खाली टाइम बिल्कुल मत खराब कीजिए। कहीं ना कहीं से आपको अगर शॉर्ट नोट्स मिलते हैं, लॉन्ग नोट्स मिलते हैं, खाना खाने जाते हैं, तब भी आप कोशिश करिए कि आपकी पढ़ाई चलती रही। आज हम चलेंगे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन के पास। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन किस प्रोसेस से होता है आज हम ये देखेंगे। इससे पहले डाइजेशन और प्रोसेस देखने से पहले पहले हम लोग देखेंगे कि फूड को बकल कैविटी में क्या बोलेंगे, फूड को स्टोमक में क्या बोलेंगे, फूड को डेडुनम में क्या बोलेंगे। तो आइए अगर हम लोग देखेंगे कि ये हमारा फूड है, ये हमारा फूड है, ये स्मॉल पीसेस में बकल कैविटी में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं बोलस, जिसे हम लोग बोलते हैं बोलस। ओके, अब फिर ये स्टोमक में पहुंचता है थ्रू इसोफेगस के द्वारा, तो इसे हम लोग बोलने लगते हैं, इसे हम लोग बोलने लगते हैं काइम, इसे हम लोग बोलेंगे काइम। फिर ये हमारा फूड जो है ये डेडुनम में पहुंचता है, ये हमारा फूड जो है, ये हमारा फूड जो है वो डेडुनम में पहुंचता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं काइल। तो यहां पर फूड के टर्म आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये हमारा बकल केप्टी है, बकल केप्टी में हम लोग फूड को बोलस बोलेंगे। बोलस जो इसोफेगस के द्वारा डीग्रुनेट कर दिया जाता है स्टोमक में, तो स्टोमक में हम लोग फूड को बोलते हैं, ये हमारा स्टोमक है, स्टोमक में हम लोग फूड को बोलते हैं काइम। फिर हमारा फूड इंटेस्टाइन में पहुंचता है, इंटेस्टाइन में एल्कलाइन पीएच होने की वजह से उस फूड को हम लोग बोलेंगे काइल। फिर यहाँ पर ये सब प्रोसेस ऑफ डाइजेशन होता है। जब डाइजेशन हो जाता है उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद फूड का जब एब्जॉर्प्शन हो जाता है फिर होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है, तो एसिमिलेशन हम उसे कहते हैं जो हमने फूड एब्जॉर्ब किया उसे, उससे एनर्जी को प्राप्त करना, कहीं पर वर्क करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है, जैसे हमने ग्लूकोज एब्जॉर्ब किया फिर ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना, एसिमिलेशन कहलाता है। फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसे एनस के द्वारा बाहर किया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं डिफिकेशन, डिफिकेशन। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना कि जो हमारा ये काइम है ये सिंपली फूड को नहीं बोलते, इसे हम लोग इसे ये इस फूड को हम लोग एसिडिक फूड होने की वजह से, एसिडिक फूड होने की वजह से हम लोग बोलेंगे काइम। ओके, अब यहाँ पर जो हमारा काइल है वो सिंपल फूड को नहीं बोलते, ये हमारा एल्कालाइन फूड है, एल्कालाइन फूड है। तो आप लोगों ने फूड के टर्म देखे कि कहाँ पर फूड को हम लोग क्या बोलेंगे, तो उम्मीद करते हैं फूड के टर्म आपको समझ में आए होंगे। एक बार ध्यान से देखिएगा फिर आपको सब याद आ जाएगा कि फूड का टर्म कहाँ पर क्या बोलते हैं, नोट डाउन करिएगा। फिर हम लोग पढ़ते हैं कि डाइजेशन किस प्रोसेस से होता है, प्रोटीन का पढ़ेंगे, स्टार्च का पढ़ेंगे, लिपिड का पढ़ेंगे, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, नोट डाउन हो गया होगा। एक तो मार्कर इतना बेकार दे दिया यार, वो मिटता नहीं है सही बोर्ड पर, अभी नए लाए हैं लेकिन क्या कर सकते हैं, दे दिया तो दे दिया। तो अब हम लोग चलेंगे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन देखने से पहले हम लोग देखेंगे जाइमोजन, इनएक्टिव एंजाइम कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। कहीं कहीं पर एक्टिव भी एंजाइम पाए जाते हैं बट दो जगह पर इनएक्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। कैसे इनएक्टिव? अच्छा, जो इनएक्टिव एंजाइम होते हैं उनके लिए एक टर्म दिया जाता है जाइमोजन, जाइमोजन। तो जाइमोजन ध्यान रखना, जाइमोजन पाए जाते हैं ओनली एक तो हमारा गैस्ट्रिक जूस में, दूसरा पाया जाता है पैंक्रियाटिक जूस में, पैंक्रियाटिक जूस में। गैस्ट्रिक जूस में जो जाइमोजन पाए जाते हैं उनका नाम होता है, एक तो होता है पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन, दूसरा होता है प्रोरेनिन, प्रोरेनिन। अब यहां पर ध्यान रखना जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें HCl पाया जाता है, तो ये HCl के द्वारा एक्टिवेट किया जाता है, तो यहां पर बन जाएगा ये HCl के द्वारा एक्टिवेट एंजाइम पेप्सिन में, ये हो जाएगा
रेनिन में, तो पेप्सिनोजन जो है वो पेप्सिन में बदल जाता है, प्रोरेनिन जो है वो रेनिन में बदल जाता है। अच्छा, जो प्रोरेनिन है वो ओनली इन्फेंट में पाया जाता है, ओनली इन्फेंट में पाया जाता है, ध्यान रखना, जो प्रोरेनिन है वो ओनली इन्फेंट में पाया जाता है, एडल्ट में अब्सेंट होता है। प्रोरेनिन का काम होता है, जो दूध में प्रोटीन पाई जाती है कैसीन, दूध में प्रोटीन पाई जाती है कैसीन, कैसीन को प्रोरेनिन जो है कैल्शियम पैरा कैसीनेट में बदल देता है, किसमें, कैल्शियम पैरा कैसीनेट। अब कैल्शियम पैरा कैसीनेट में बदल देता है तो दूध को दही में बदलने के जो एंजाइम लगता है इन्फेंट में उसे हम लोग बोलते हैं प्रोरेनिन। अब यहाँ पर देखते हैं कि एडल्ट में जो रेनिन अब्सेंट होता है, एडल्ट में जो दूध को दही में बदलता है वो होता है हमारा HCl। जो यहाँ पर रेनिन वर्क करेगा वो HCl वर्क करेगा। हमारे पास स्पेशल एंजाइम दूध को दही में बदलने के लिए इसलिए एडल्ट में रहता है, क्योंकि जो एडल्ट होता है वो ओनली मिल्क पर डिपेंडेंट नहीं होता है, वो डिपेंड होता है फूड पर, बट जो रेनिन में होता है, रेनिन जो बच्चे होते हैं वो सिर्फ मिल्क पर डिपेंड करते हैं। तो बच्चों में एक स्पेशल एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है प्रोरेनिन, जो दूध को मिल्क प्रोटीन को या बोले मिल्क को दही में बदल देता है। ओके, तो नोट डाउन करिएगा। फिर हम लोग पढ़ते हैं पैंक्रियाटिक जूस के बारे में। तो ध्यान रखना कि जो पैंक्रियाटिक जूस में होते हैं वो तीन टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं, एक तो ट्रिप्सिनोजन पाया जाता है, दूसरा पाया जाता है काइमोट्रिप्सिनोजन, तीसरा यहां पर पाया जाएगा प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो यहां पर पैंक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम एक्टिवेट होता है, ट्रिप्सिन जो एक्टिवेट होगा वो होगा, एक एंजाइम पाया जाता है एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज क्या करता है, एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदल देता है। अब एंटेरोकाइनेज भाई आए, उन्होंने ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदल दिया। अच्छा, यहां पर जो ट्रिप्सिन जैसे ही एक्टिवेट होगा वो आ जाएगा काइमोट्रिप्सिनोजन के पास, वो आ जाएगा प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज के पास, इन दोनों को वो एक्टिवेट करेगा। एक्टिवेट करने के बाद काइमोट्रिप्सिनोजन जो है वो काइमोट्रिप्सिन में बदल जाएगा, और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में बदल जाएगा। यहां पर ये जो एंजाइम है काइमोट्रिप्सिनोजन काइमोट्रिप्सिन में बदल जाएगा, यहां पर ये जो प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज है ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में बदल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि जो जाइमोजन जहां जहां पाए जाते हैं वो हमने लिखा दिए हैं और आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अच्छे से लेक्चर को करिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जब वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे तो पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने पुराने लेक्चर नहीं डाइजेशन किए हैं तो डाइजेशन फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करिएगा, और आज का जो डाइजेशन का लेक्चर आ रहा है उसे भी पूरा करिएगा। फिर देखिएगा एनसीईआरटी पढ़ के आपको एनसीईआरटी बहुत ही सरल लगेगी और फिर क्वेश्चन भी आपको बहुत सरल लगेंगे। नोट डाउन करिएगा, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग अब देखेंगे प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है, या लिपिड का डाइजेशन कैसे होता है, या स्टार्च का डाइजेशन कैसे होता है, या न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन कैसे होता है। इसे नोट डाउन करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, उम्मीद करते हैं नोट डाउन हो गया होगा। बहुत मूड खराब हो रहा है यार मार्कर के चक्कर में। फिलहाल आप लोग मार्कर पे, बोर्ड पे कम ध्यान दें, मार्कर पे सुनने पर ज्यादा कोशिश करें, और पढ़ाई अच्छे से करिएगा बेटा, क्योंकि जितना आप अच्छे से पढ़ेंगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। नीट कोई एक दिन की तैयारी नहीं मांगता, नीट आपको रेगुलरली जो 6-7 घंटे देना है वो दीजिए। ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपने 10 घंटे पढ़ लिए, 12 घंटे पढ़ लिए और दूसरे दिन आप सो गए, दूसरे दिन आपने 2 या 3 घंटे की, ये गलत हो जाएगा। रेगुलरली आपको 5-6-7 घंटे जो देने हैं वो नीट को दीजिए, उतनी आप मेहनत से पढ़ाई कीजिए, और जितने घंटे दीजिए उतने मेहनत से पढ़ाई करते रहिए, फिर आपको नीट एकदम बहुत अच्छा लगेगा। नीट देते हुए पेपर बहुत सरल लगेगा। नोट डाउन करिएगा। अब हम लोग चलेंगे प्रोटीन के पास, प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे। तो प्रोटीन का डाइजेशन जो होता है वो एक तो हमारा पाया जाएगा स्टोमक में, दूसरा पाया जाता है ड्यूडेनम में। अब ध्यान रखना, जो प्रोटीन का डाइजेशन होता है वो, अगर हम लोग प्रोटीन को इंटेक करते हैं, प्रोटीन को हमने इंटेक किया, ओके, अब इंटेक करने के बाद जब प्रोटीन स्टोमक में पहुंचती है, स्टोमक में प्रोटीन को पेप्टोन्स में प्लस प्रोटियोसिस में
तो प्रोटीन को स्टोमर में, पेप्टोन्स में प्लस प्रोटियोसिस में, बट सारी प्रोटीन को नहीं बदल सकते, कुछ रिमेनिंग प्रोटीन भी पाई जाएगी, तो यहाँ पर प्रोटीन भी पाई जाती है। ओके, अब यहाँ पर प्रोटीन भी पाई जाएगी, तो यहाँ पर कौन सा एंजाइम काम कर रहा है, यहाँ पर काम कर रहा है हमारा, यहाँ पर हमारा काम कर रहा है, तो यहाँ पर कौन सा एंजाइम एक्टिवेट कर रहा है, यहाँ पर एंजाइम एक्टिवेट कर रहा है, यहाँ पर कौन सा एंजाइम वर्क कर रहा है, यहाँ पर वर्क कर रहा है पेप्सिन, यहाँ पर पेप्सिन वर्क करेगा। प्रोरेनिन जो अभी हमने बताया सिर्फ इन्फेंट में वर्क करता है, प्रोरेनिन हमने बताया सिर्फ इन्फेंट में काम करता है, एडल्ट में काम नहीं करता है। तो यहाँ पर जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला स्टोमक में एंजाइम पाया जाता है वो पाया जाता है पेप्सिन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, आगे आता है पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस आता है, पैंक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम पाया जाती है, एक तो पाया जाता है ट्रिप्सिन, दूसरा पाया जाता है काइनोट्रिप्सिन, तीसरा पाया जाता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। अब यहां पर देखेंगे जो पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस होगी वो तो कितने बदलेगी वो अभी हम बात करते हैं, बट प्रोटीन जो होगा वो ट्रिप्सिन के द्वारा। तो यहां पर जो हमारा क्या क्या मिलेगा, यहां पर मिलेगा देखो पेप्टोन्स जो है वो कुछ अमीनो एसिड में बदला जाएगा, कुछ वहां पर डाई पेप्टाइडेज भी देखने को मिलेगा, कुछ यहां पर डाई पेप्टाइड भी देखने को मिलेंगे। ओके, अब यहां पर जो प्रोटीन होगी वो काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो है प्रोटियोसिस में बदल देता है, प्लस प्रोटॉन्स में भी बदल देता है। अब हम लोग जब आगे बढ़े, ये हमारा काम हो रहा था ड्यूडेनम में, ये हमारा काम हो रहा था ड्यूडेनम में, अब जब आगे बढ़ेंगे तो इस पर काम करेगा इस ड्यूडेनम के एक जूस पाया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं सक्कस एंटेरिकस या इंटेस्टाइनल जूस, या हम लोग बोल हाँ, तो ड्यूडेनम में जो फाइनल जूस वर्क करेगा वो इंटेस्टाइनल जूस होगा। इंटेस्टाइनल जूस में पाए जाते हैं, एक तो पाया जाता है डाइपेप्टाइडेज एंजाइम पाया जाता है, दूसरा पाया जाता है अमीनो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। अब ये डाइपेप्टाइडेज जो होगा वो डाइपेप्टाइड पे वर्क करेगा, डाइपेप्टाइड से अमीनो एसिड को निकाल देगा। अब यहां पर जो प्रोटियोसिस और प्रोटॉन्स है उस पर अमीनो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज वर्क करेगा, उसे बदल देगा डाइपेप्टाइड और अमीनो एसिड में, फिर उस पर फाइनली डाइपेप्टाइडेज वर्क करेगा, उसे अमीनो एसिड में तोड़ लेगा। तो यहाँ पर जो फाइनल प्रोटीन का डाइजेशन होगा वो इंटेस्टाइनल जूस के द्वारा होगा, फाइनली हमें प्रोटीन के डाइजेशन से अमीनो एसिड मिल जाएंगे। यहाँ पर हमने प्रोटीन का डाइजेशन देखा, प्रोटीन के डाइजेशन में फाइनली हमें अमीनो एसिड मिलते हैं, नोट डाउन करिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं हम लोग स्टार्च का डाइजेशन, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है क्योंकि इंग्लिश मेरी कमजोर है। हाँ, तो अब हम लोग डालेंगे डाइजेशन स्टार्च का, अब हम लोग स्टार्च के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्च का डाइजेशन जो है हमें वो तो सबसे पहले माउथ में दिख जाता है, ओके, फिर हमें दिखता है ड्यूडेनम में। अब आप लोग जब स्टार्च को इंटेक करते हो, आपने स्टार्च लिया, सबसे पहले उसमें वर्क करेगा टाइलिन, टाइलिन को एक और नाम दिया जाता है सेलिवरी एमाइलेज, जो उसे बदल देता है माल्टोज में, नहीं हो सकती है, तो इसे माल्टोज में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। अब स्टार्च का यहां पर जो माउथ में ब्रेक डाउन होता है वो ओनली 30% ब्रेक डाउन होता है, 30% माल्टोज बदल दिया जाता है, बट 70% जो है वो यहाँ पर माउथ में स्टार्च रहता है, 70% स्टार्च रहेगा। अब इस पर वर्क करेगा पैंक्रियाटिक जूस, अब इस पर पैंक्रियाटिक जूस जब वर्क करेगा तो पैंक्रियाटिक एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है वो स्टार्च को भी माल्टोज में बदल देता है, वो माल्टो यहां पर मिल जाएगा माल्टोज। अब ये हमें माल्टोज यहां पर जब मिल जाएगा तो इस पर वर्क करेगा इंटेस्टाइनल जूस में पाया जाता है माल्टेज,
इंटेस्टाइनल जूस में पाया जाता है माल्टेज। माल्टेज जो है वो माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में बदल देता है। फाइनली हमें प्रोडक्ट मिल जाता है स्टार्च के डाइजेशन से ग्लूकोज। अब यहाँ पर हमने स्टार्च का डाइजेशन देखा, स्टार्च के डाइजेशन में कौन कौन सा एंजाइम वर्क करता है और कौन कौन सा जूस वर्क करता है ये देखा। आप लोगों को यहाँ पर पीएच ध्यान रखना है, टॉलिन का पीएच जो होता है, टॉलिन जो पीएच पर वर्क करेगा वो 6.8 पर वर्क करेगा। ओके, अब जो पैंक्रियाटिक एमाइलेज है वो वर्क करता है 7.8 पर, जो हमारा माल्टेज है वो भी वर्क करेगा 7.8 पर। नोट डाउन करिएगा फिर हम लोग आगे देखेंगे न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन। आइए इसे रफ करते हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। लेक्चर जब समझ में आए तो इसे लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कराइए, और लोगों से बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब हम लोग देखेंगे डाइजेशन, जो डाइजेशन अब हम लोग देखेंगे वो हम लोग देखेंगे डाइजेशन न्यूक्लिक एसिड का, न्यूक्लिक एसिड का। अब हम लोग डाइजेशन देखेंगे न्यूक्लिक एसिड का। तो न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन जो होगा वो ओनली तुम्हें इंटेस्टाइन में देखने को मिलेगा, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में? ड्यूओडेनम के पार्ट में। तो सबसे पहले जब हम लोग न्यूक्लिक एसिड को इंटेक करते हैं, न्यूक्लिक एसिड को इंटेक करते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते कौन से? तो न्यूक्लिक एसिड होते हैं डीएनए एंड आरएनए। तो यहां पर सबसे पहले वर्क करता है हमारा पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम पाया जाता है वो न्यूक्लियेट पाया जाता है। जब न्यूक्लियेट न्यूक्लिक एसिड पर वर्क करता है तो उसे वो बदल देता है न्यूक्लियोटाइड में। जब न्यूक्लिक एसिड पर न्यूक्लियस वर्क करता है तो उसे वो बदल देता है न्यूक्लियोटाइड में। अब यहां पर न्यूक्लियोटाइड पर वर्क करेगा हमारा इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस में एक एंजाइम पाया जाता है न्यूक्लियोटाइडेज। जब न्यूक्लियोटाइडेज इस पर न्यूक्लियोटाइड पर वर्क करेगा तो वो बदल जाएगा न्यूक्लियोसाइड में, न्यूक्लियोसाइड में प्लस फास्फेट में। अब जो हमारा न्यूक्लियोटाइड होता है वो मिलकर बना होता है, एक तो नाइट्रोजन बेस होंगे, नाइट्रोजन बेस होगा प्लस शुगर होगा, प्लस जो न्यूक्लियोटाइड में पाया जाता है नाइट्रोजन बेस शुगर प्लस फास्फेट। जब न्यूक्लियोटाइड में एक माला है मोतियों की जिसमें पाया जाता है नाइट्रोजन बेस शुगर प्लस फास्फेट, जो न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम जो इस पर वर्क करेगा तो बदल देता है वो न्यूक्लियोसाइड में प्लस फास्फेट में। यहां पर एक और एंजाइम पाया जाएगा जिसे हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोसाइडेज। न्यूक्लियोसाइडेज क्या करेगा? न्यूक्लियोसाइडेज करेगा, इसे बदल देगा शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस में, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस में न्यूक्लियोसाइड को तोड़ देगा। ये भी हमारा एंजाइम जो है ये भी इंटेस्टाइनल जूस में पाया जाता है। फाइनली हमने न्यूक्लिक एसिड की बात की, न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन जो है वो पैंक्रियाटिक जूस इस पर वर्क करेगा, जिसका पैंक्रियाटिक जूस का एक एंजाइम न्यूक्लियस काम करेगा जो जिसका पीएच होगा 7.8। न्यूक्लियस जो है उसे न्यूक्लियोटाइड में बदल देगा। न्यूक्लियोटाइड एक मोतियों की माला है जिसमें पाया जाता है नाइट्रोजन बेस शुगर प्लस फास्फेट। फिर इंटेस्टाइनल जूस का एक एंजाइम वर्क करता है न्यूक्लियोटाइडेज। न्यूक्लियोटाइडेज जो न्यूक्लियोटाइड को है वो न्यूक्लियोसाइड में बदल देता है और फास्फेट में। न्यूक्लियोसाइड पर वर्क करेगा न्यूक्लियोसाइडेज। न्यूक्लियोसाइडेज भी एक इंटेस्टाइनल जूस का एंजाइम है, वो उसे न्यूक्लियोसाइड को शुगर एंड नाइट्रोजन बेस में तोड़ देता है। ये इंटेस्टाइनल जूस का जो पीएच होता है
वो भी 7.8 होता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो एल्कलाइन फ्यूल पर उसके एंजाइम वर्क करते हैं, वो सिर्फ न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन सिर्फ ड्यूडेनम में होता है। नोट डाउन करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग देखते हैं डाइजेशन ऑफ लिपिड। अब हम लोग बात करेंगे लिपिड का डाइजेशन। भाई क्वेश्चन इसमें आते हैं, नीट में भी आता है, नीट में भी आएगा, भाई इसमें क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से पढ़िएगा। एंजाइम पूछ लिया जाएगा, उसका पीएच पूछ लिया जाएगा, कौन सा एंजाइम वर्क करके क्या बना देता है ये पूछ लिया जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे लिपिड का डाइजेशन, अब हम लोग पढ़ेंगे लिपिड के बारे में। तो सबसे पहले लिपिड क्या होता है, तो लिपिड एक ट्राई ग्लिसराइड होता है, ठीक है, इसे हम लोग फैट भी बोलते हैं, इसे हम लोग फैट भी बोलेंगे। जब लिपिड होता है, ये हमारा लिपिड है, इस पर जब बाइल जूस वर्क करेगा, बाइल जूस में होता है एक तो बाइल जूस में एक होता है लेसिथिन, दूसरा होता है उसमें साल्ट, दूसरा उसमें होता है ऑर्गेनिक साल्ट। जब लेसिथिन वर्क करता है तो लेसिथिन जो है लिपिड का सरफेस टेंशन कम कर देता है, क्या कम करता है, सरफेस टेंशन कम कर देता है। जब सरफेस टेंशन कम हो जाता है तो जो लिपिड होता है वो स्मॉल मॉलिक्यूल में टूट जाता है, स्मॉल मॉलिक्यूल में टूट जाता है, फिर ये रीऑर्गेनाइज होने की कोशिश करता है, तो ऑर्गेनिक साल्ट जो है इसे रीऑर्गेनाइज होने नहीं देते हैं, तो इसे हम लोग फिर बोलते हैं, ये पूरी प्रोसेस जो है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन में क्या होता है, इमल्सिफिकेशन में जो लिपिड होता है उस पर बाइल जूस वर्क करेगा, बाइल जूस का लेसिथिन वर्क करेगा, जो लिपिड की सरफेस टेंशन कम कर देता है, और स्मॉल मॉलिक्यूल में लिपिड जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, फिर उसको रीऑर्गेनाइज होने से रोकने वाला ऑर्गेनिक साल्ट जो वायु में पाया जाता है वो रीऑर्गेनाइज नहीं होने देता है। फिर हम लोग बढ़ते हैं, अब इस पर वर्क करेगा पैंक्रियाटिक लाइपेज सिर्फ इमल्सिफिकेशन वाले फेट पर वर्क करेगा, हमारा कुछ स्टोमक में भी लाइपेज पाया जाता है बट वो वर्क नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर बाइल क्या करता है, बाइल एक्टिवेट करता है पैंक्रियाटिक लाइपेज को, पैंक्रियाटिक लाइपेज जब वर्क करेगा तो उसमें कुछ आपको डाई ग्लिसराइड देखने को मिलेंगे, हमारा डाई ग्लिसराइड देखने को मिलेगा, फैटी एसिड देखने को मिलेगा। यहां पर जो लिपिड है जब उस पर पैंक्रियाटिक लाइपेज वर्क करेगा तो वो बदल जाएगा डाई ग्लिसराइड, फैटी एसिड, सम टाइम मोनोग्लिसराइड भी देखने को मिलते हैं। अब इस पर वर्क करेगा इंटेस्टाइनल लाइपेज, जब हमारा इंटेस्टाइनल लाइपेज इस पर वर्क करता है तो ये बदल जाता है मोनोग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। तो फाइनली हमने लिपिड के डाइजेशन से प्राप्त किया ग्लिसरॉल, मोनोग्लिसराइड एंड फैटी एसिड। इंटेस्टाइनल जूस वर्क करता है, पैंक्रियाटिक लाइपेज वर्क करता है, ये भी ओनली ड्यूडेनम में होता है। तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि लिपिड का डाइजेशन आपको समझ में आया होगा, नोट डाउन करिएगा। फिर हम लोग देखते हैं एब्जॉर्प्शन लिपिड का कैसे होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड, एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड। तो लिपिड का एब्जॉर्प्शन जो है, लिपिड टूट गया था ग्लिसरॉल में कुछ आपको फैटी एसिड मिले थे, कुछ आपको मोनोग्लिसराइड भी देखने को मिले थे। यहां पर जब बाइल आएगा, क्योंकि ये रीऑर्गेनाइज होने की कोशिश करेंगे, बाइल जो है इसे रीऑर्गेनाइज होने से रोकता है, तो जब बाइल हमारा आएगा तो ये एक
बाल कुछ इस टाइप से एडजस्ट होगा कि इन्हें फिर से फेस बनने नहीं देता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं बेसल मेसल्स। तो ये हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड में हमने देखा जो ग्लिसराइड है, फैटी एसिड है, मोनोग्लिसराइड है प्लस बाइल है, ये फॉर्म करते हैं मेसल्स को। अब मेसल्स जो है वो फॉर्म करती है वो एक ट्राइग्लिसराइड स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाते हैं उनके, ट्राइग्लिसराइड मतलब लिपिड फॉर्म हो जाता है उनके उनके अंदर पांदर एक लेयर प्रोटीन की हो जाती है, प्रोटीन लेयर हो जाती है। अब जब प्रोटीन लेयर हो जाएगी तो यहां पर इसे बोलेंगे काइलोमाइक्रोन। यहां पर हम लोग काइलोमाइक्रोन देखेंगे, काइलोमाइक्रोन जो है हमारा वो एक लिम्फेटिक बेसल, ये हमारी लिम्फेटिक बेसल है, लिम्फेटिक बेसल के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, लिम्फेटिक बेसल के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। इस बेसल का नाम होता है लेसिथिन, इस बेसल का नाम होता है लेसिथिन। तो हमने देखा जो हमारा ग्लिसराल फैटी एसिड मोनोग्लिसराइड और बॉइल फॉर्म करते हैं एक मेसल्स को। मेसल्स क्या है, मेसल्स में ये चारों चीजें पाई जाएंगी, ग्लिसराल फैटी एसिड मोनोग्लिसराइड प्लस बाइल। फिर हमारा मेसल्स जो है वो फॉर्म करता है काइलोमाइक्रोन को, एक प्रोटीन की लेयर आ जाती है, काइलोमाइक्रोन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है लिम्फेटिक बेसल जिसका नाम होता है लेसिथिन, लेसिथिन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ओके, उम्मीद करते हैं लिपिड का डाइजेशन आपको समझ में आया होगा, इसका एब्जॉर्प्शन आपको समझ में आया होगा, तो नोट डाउन करिएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखेंगे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड क्या कैसे होता है। ये जो होता है ये फर्स्ट एब्जॉर्प्शन होता है, फर्स्ट एब्जॉर्प्शन होता है। ओके, ये इपिथीलियम एंडोथीलियम के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, वहां पर यह फॉर्म करता है कोलीमाइक्रोन को, कोलीमाइक्रोन जो है लिम्फेटिक बेसल या बोलन लेसिथिन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ये हमारा सेकेंड एब्जॉर्प्शन होता है, ये हमारा सेकेंड एब्जॉर्प्शन होगा। तो फर्स्ट एब्जॉर्प्शन जो होता है वो मेसल्स का होता है, सेकेंड एब्जॉर्प्शन जो होता है वो काइलोमाइक्रोन का होता है। नोट डाउन करिएगा, हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, अब हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो फूड में जो सबसे पहले हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो हमेशा एक्टिव, प्राइमरी एक्टिव होगा। तो पॉजिटिव चार्ज का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो प्राइमरी एक्टिव होगा, जो निगेटिव चार्ज आयन होते हैं, जो निगेटिव चार्ज आयन होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन जो है वो पैसिव होगा। ये हमारा एब्जॉर्प्शन है। अब यहां पर ध्यान रखना जो गैलेक्टोज प्लस अमीनो एसिड प्लस ग्लूकोज, तो यहां पर गैलेक्टोज अमीनो एसिड प्लस ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन जो है वो सेकेंडरी एक्टिव होता है। यहां पर जो दूसरा पॉइंट हमारा आता है वो आता है फ्रक्टोज प्लस अमीनो एसिड प्लस जो है ग्लूकोज, इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो होता है हमेशा फैसिलिटेटेड, इसका एब्जॉर्प्शन फैसिलिटेटेड होता है। तीसरा हमारा आता है वाटर हमेशा ऑस्मोसिस के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। फिर हमारा आता है यहां पर ग्लूकोज प्लस हमारा आता है अमीनो एसिड, ये इसका एब्जॉर्प्शन पैसिव भी होता है। तो यहां पर हमने एब्जॉर्प्शन की बात की, तो एब्जॉर्प्शन में हमें जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो हमेशा प्राइमरी एक्टिव फॉर्म में होंगे, जो निगेटिव चार्ज होगा वो पैसिव फॉर्म में होगा। जो बेलेक्टोज है ओनली, अगर बेलेक्टोज की बात की जाए तो वो हमेशा सेकेंडरी एक्टिव रहेगा, बट अगर बेलेक्टोज के साथ अमीनो एसिड और ग्लूकोज जुड़ा है फिर भी पैसिव होगा, और फ्रक्टोज जो है वो हमेशा फैसिलिटेटेड तरीके से एब्जॉर्ब किया जाता है,
वाटर का एब्जॉर्प्शन हम लोग ऑस्मोसिस के तरीके से करते हैं, और ग्लूकोज अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन पैसिव भी होता है। ग्लूकोज और अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन तीनों टाइप का पाया जाता है, इसे नोट डाउन करिएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा किसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।